नजारे देखो मम्मा, वो बिल्डिंग देख रहे हो, वो सामने शार्ट है, ये हमारे घर से दिखती है। क्या स्काई गार्डन? तुम उसके मालिक हो? रास्ते में ही कौन सा मिल गया, लेबनीज ग्रिल फूड। यार पता क्या हुआ, जय सौरभ, वहां से होते हुए अभी पिक्चर ग्राफी यहाँ तक चल रही है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिचा एंड सौरभ। तो अभी ऐसा है कि आज आप देख रहे हो कि हम दोनों रेडी हो चुके हैं, एंड रेडी होके हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं स्काई गार्डन। तो लंदन में गाइस एक स्काई गार्डन नाम का बहुत बड़ा हाई राइज रेस्टोरेंट बोल सकते हो, वो है बार है। तो वहां से बहुत अच्छा व्यू आता है पूरे लंदन का, और मम्मा को हम लेके जा रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो मम्मा एक्साइटेड इनफ। हम लोग तो ऑलरेडी 3-4 बार जा चुके हैं, तो हमने सोचा चलो मम्मा को भी ले जाते हैं। और जैकेट हमने इसलिए पहनी है कि बाहर बहुत ठंडा मौसम हो गया वापिस से, कोई पता नहीं कब ठंडी हो जाए कभी गर्मी हो जाए, तो इसीलिए हम लोग जैकेट्स वगैरह में रेडी हैं। और सेंट्रल लंदन जा रहे हैं तो सेंट्रल लंदन भी थोड़ा घूम के ही आएंगे, फिर कैब भी आज ले लेते हैं, चाहे अभी समर स्टार्ट हो चुके हैं। बट मैं आपको एक चीज बता दूं गाइस, स्काई गार्डन में अगर आपको जाना है तो आपको कम से कम 1 महीना पहले एडवांस बुकिंग करवानी पड़ती है, क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा मतलब की डिमांड में रहता है वो, कि लोगों को इन एडवांस बुकिंग करानी पड़ती है। हमने लास्ट मंथ बुकिंग करवाई थी, तो आज की हमें डेट मिली है मई में जाने। ओ टीजी देखिए, मिस्टर सर और साथ में हमारी मम्मी जी का लो कोट का लुक। तो ऐसा है गाइस, हम लोग जा रहे हैं मेट्रो में, क्योंकि वहां पे पार्किंग का बहुत इशू है, सेंट्रल लंदन में टूरिस्ट प्लेस है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। भाई हम लोग पैदल जा रहे हैं ना वहां पे, वहां तक स्टेशन तक। सेंट्रल लंदन यहाँ पे ओपन हो की बहुत सारी बसेज है यार, इसमें भी पता नहीं कितना टाइम हो गया बैठे हुए। अभी वी आर लुकिंग टू गूगल मैप कितना जल्दी जल्दी। सौरभ पहुंच चुका है काफी आगे मेरे को, मैं लगता रास्ता गला चली गई। मैंने गाइस अपना पहना है आज ये ग्रे कलर, बाकी सबने ब्राउन पहना है। मैं भी ना वैसे पागल ली हूँ यार, सच्ची बताऊँ जब सैटरडे संडे होता ना तो मेरा बिल्कुल भी ना मुँह के थोपड़े के ऊपर ना मेकअप करने का बिल्कुल मन नहीं होता, मुझे होता रिलैक्स करो। मंडे टू फ्राइडे तुम बाहर जाते हो, ऑफिस में आना जाना इतना हेक्टिक हो जाता है ना, पर फिर जब वीडियो में आना था तो लगता है यार थोड़ा सा कर ही लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। रुक भी नहीं रहा, भाग रहा है। एक्चुअली हमारी रिजर्वेशन है और टाइम हो चुका है, सिर्फ 2 मिनट बचे हैं हमारे। आप देख रहे हो यहाँ पे कितनी ज्यादा क्राउडेड रहता है, तो एडवांस बुकिंग करवानी पड़ती है। तो फिलहाल हम पहुंच गए हैं यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग। तो हे वी आर, अभी बाहर भी जाने दे रहे हैं, पिछली बार बाहर बंद था है ना, चलो अभी इन्होंने ना ये अच्छा किया ये ओपन कर दिया, पिछली बार ये कंस्ट्रक्शन पे था। चलो अभी ओ हो अब देखो नजारे देखो मम्मा, वो बिल्डिंग देख रहे हो सामने शार्ट है, ये हमारे घर से दिखती है उधर वाली साइड से, हाँ ये घर से दिखती है, और इसी पे हम मम्मी पापा को लेके गए थे, इसी यहाँ से आपको व्यू दिखा देते हैं एक बार। ये देखिए व्यू के मजे लीजिए। लंदन आई, हाँ ये दिखा भी हुआ था, लंदन आई इधर से देख सकते हो, साउथ बैंक देख सकते हो, टेट मॉडर्न, हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो आप 360 डिग्री सब कुछ देख सकते हो यहाँ पे, बहुत अच्छा व्यू है। दिस इज टावर ब्रिज, दिस इज लंदन ब्रिज। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये जो है ना गाइस, लोग इसको भी लंदन ब्रिज बोल देते हैं और उसको भी लंदन ब्रिज बोलते हैं, बट वो लंदन ब्रिज नहीं है, वो टावर ब्रिज है। ऊपर जा सकते हो, ऊपर भी जा सकते हो, टिकट लगती है वहां पे जाने की। और बाकी थेम्स रिवर तो आपको पता ही होगा सबको, तो यहाँ से पूरा आप चलते जाओगे ना तो सब लोग यहाँ पे अपने पिक्चर्स क्लिक करा रहे हैं। ड्रिंक्स वगैरह के लिए हम अंदर जाके बैठेंगे आराम से। वो वाली है क्रूज जो इनकी खराब पड़ी हुई है, वो सामने नेवी शिप है मम्मा, वो वाली, हाँ ये इन्होंने ना इसको वो बना दिया हुआ है, म्यूजियम बना दिया कि लोग आओ टिकट से पैसे लो तो अंदर जाके देखो। हाँ अंदर अभी हम लोगों ने काफी टाइम यहाँ पे, यहाँ 15-20 मिनट हो गए, हम सोच रहे अभी अंदर जाएं, ड्रिंक्स के लिए आए तो ड्रिंक्स पी के जाएं। सुनो अभी ना खाली हो गया है, अभी 2-4 पिक्चर और खींच लेते हैं। है मम्मा, मैंने कहा अब तो खाली हो गया, अब तो खींच ही लेते हैं 2-4 पिक्चर्स और पूरा खाली है। क्या मतलब, खुद ही तो खरीदा हमने। क्या स्काई गार्डन? हाँ, हाँ। तुम उसके मालिक हो? और क्या, अभी कल ही खरीदा रात को। अच्छा रात के डील शाम की।
सही है। तो गाइस इधर से घूमने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर वाली साइड में, देख दे मम्मा जी ऊपर वाली साइड में भी चलो चलो चलो, आप देखो हम तो देखते ही है। लिखा हुआ प्लीज डू नॉट स्टैंड ऑन द बेंच, सब लोग बैठे ठीक है। मैं क्या लिखा हुआ डू नॉट स्टैंड ऑन द बेंच, लोग सब बैठे हुए हैं, कोई रूल ही नहीं फॉलो कर रहा। ये देखो डू स्टैंड, बच्चे तो खड़े हो जाएंगे। अब इधर ही कुछ भी है देखने वाला, वो एक बार उधर दिखा सकते हो, 360 डिग्री है ना मम्मा, मतलब हर तरफ से आप देख सकते हो ये चीज। हमें वहाँ पे कुछ खाने का ऑप्शन ही नहीं मिला, हमें बहुत भूख लग रही थी, वहाँ पे सिर्फ एक चीज मिल रही थी कपकेक्स, जो भी वेजिटेरियन नहीं थे, एक ही वीगन ऑप्शन थी। तो हमने सोचा यार हमें तो लगी तगड़ी वाली भूख, तो हमें तो तगड़ी कबाब खाने का मन कर रहा है। तो फिलहाल हम पास में ही सेवन डायल्स मार्केट है, वहाँ पे करी ऑन द नान करके एक बहुत बड़ा आउटलेट है खाने पीने का, वहाँ पे जाने का ट्राई कर रहे हैं क्योंकि बड़ा सुना है उसके बारे में। तो लेट्स ट्राई टू, तो ये सेवन डायल मार्केट जाने वाले थे, रास्ते में ही कौन सा मिल गया, लेबनीज ग्रिल फूड। यार पता क्या हुआ वहाँ पे ना, जो हमारी बस आई उसने हमें बिठाया ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी ओवरलोड थी और किसी को नहीं बिठाया। अगली बस फिर 15 मिनट बाद थी, मैंने कहा हमारे में कैपेसिटी नहीं है, हम तो जा रहे हैं, जो हमें पहला रेस्टोरेंट मिला हम तो खाने लगे हैं। ओह हांगकांग फूड इंडियन कुजीन, गए नहीं वो देखे, इंडियन कुजीन भी खा सकते थे वैसे। अच्छा ठीक है ना, इंडियन तो रोज घर में खाते ही है ना मेरी मम्मा जी। अभी आज हम खाने वाले हलूमी रैप, फलाफल रैप, हलूमी एंड फलाफल मिक्स रैप, चीज फ्राइज, और साथ में हमने चाय ली है। आज हमने कॉफी को डिच किया है, डिच कॉफी एंड नया हैशटैग करते हैं डिच कॉफी। बट अभी इसके बाद हम टावर ऑफ लंदन भी जा रहे हैं, क्योंकि हमने सोचा पहले खा लें क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही कुछ करने की, भूख लगी हुई है। खाना शुरू कीजिए, मेरा कौन सा वाला है, मोगैम्बो खुश हुआ, मम्मी का ये फेवरेट फूड है जो भी। ओके सो चीज फ्राइज चाय आ चुकी है, वहां से हम होते हुए 10 मिनट की वॉक पे हम लोग जा रहे हैं अभी टावर ब्रिज की साइड में, टावर ऑफ लंदन में, ताकि थोड़ा सा हम इधर वाला एरिया भी एक्सप्लोर कर लें अगर सेंट लंदन में आए हुए हैं। तो ऐसा है कि भाई अपना तो होने लग गया सिर दर्द मेरे को ना, सैटरडे संडे आजकल हो रहा है कि यार थोड़ी रेस्ट मिल जाए, बट ऑफकोर्स थोड़ा घूमना भी होता है, शूट वगैरह भी करना होता है, इन्फॉर्मेशन वीडियोस बनाने होते हैं, तो देखते हैं कुछ तो करते हैं हल इसका भी। इस एरिया में जब भी आ जाओ क्राउडेड ही रहता है, चलो देखो क्राउडेड ही रहता है। इधर हम ना पहुंच चुके हैं, इधर से आप सीधा टावर लंदन की साइड में जाते हो, यहाँ से क्रूजेज वगैरह भी मिलती हैं, और दिस इज द कोपा क्लब, ये एक बहुत बड़ा बढ़िया रेस्टोरेंट है, यहाँ पे मेरा एक बार आने का। हाँ जी फोटो हमारी, ओह सॉरी, ये फ्लैट बहुत छोटे छोटे होंगे, सही बहुत है, बट इनका ये ना बेसिकली ज्यादातर लोगों ने ना रेंट पे भी चढ़ाए होते हैं, कि टूरिस्ट आते हैं वो लोग रहते हैं तो उनको फैसिलिटी मिल जाती है। इनका एक पर डे का रेंट आई थिंक 200 pounds होगा, पक्की बात है अराउंड। सो दिस इज कोपा क्लब, ये अच्छा क्लब है, इसमें भी आप गाइस कभी अगर कोई अपना बर्थडे वर्डे सेलिब्रेट करना तो आ सकते हैं। वहां से होते हुए अभी पिक्चरग्राफी यहाँ तक चल रही है भाई, मुझे ना ठंड लग रही है, चले चलो एक एक कप कॉफी पकड़ो। हाँ एक कैफीनियर की कॉफी तो पीनी बनती है यार, आज तो सैटरडे है, मम्मी कह रहे मैं बोर हो गई हूँ, कॉफी पी पी क्या 4-5 घंटे घूम ले सेंट्रल में, मतलब लंदन ब्रिज, टावर ब्रिज, मम्मी को काफी चीजें दिखा दी हैं, वॉक करते करते थक हो गए। अभी ऐसा है कि सेम चीजें लगती है हमारे लिए, सौरभ तो यहाँ पे ऑफिस में आता था कितनी बार, ऐसा है कि ये मेरे ऑफिस से 5 मिनट वॉकिंग है। हाँ मैं तो यहाँ पे कम से कम 1-2 साल तो आए हैं, 200-300 बार। अभी एक्चुअली सोच रहे हैं कि थक गए हैं और ठंड भी बहुत हो रही है, तो घर चलते हैं, आज का दिन हो गया, कोटा पूरा हो गया हमारा। और गाइस अगर आप लोगों को भी ऐसे मतलब ऊपर हाई राइज कोई रेस्टोरेंट विजिट करना है तो आई थिंक दैट्स अ बिग गुड डील, एडवांस में अब बुकिंग करवा के रखो तो आपको फ्री में मिल जाती है एंट्री। एट अ स्पॉट भी एक बड़े सारे लोग आए हुए थे, बट उनको वेटिंग में लगना पड़ता है फिर कि हाँ, क्योंकि मेरे सामने ही बड़े सारे लोग ऑलरेडी वेटिंग में लगे हुए थे। यार कहते ना घर आके जो सुकून मिलता है वो घर आके ही मिलता है, और सबसे पहले सब इस कमरे में जाता है। तो आज का आपको व्यू दिखा देते हैं, तो व्यू कुछ इस तरह है गाइस, बाहर आज बहुत ठंडी है,
पूरा कहते हैं ना कि टेम्परेचर माइनस लग रहा है अभी, इतनी ठंडी हो गई है। बट पता है इतनी ठंडी लग रही थी ना, चल रही है ना, इससे ठंड लग रही है। हाँ बहुत ज्यादा हवा चल रही है। तो अभी हम लोग करते हैं, आप लोगों को करते कहते हैं बाय, क्योंकि इतना थक गए ना। बस हम लोग सोच रहे हैं कॉफी भी नहीं मिली, क्योंकि जो हम पीनी थी वो बंद हो गई थी। तो ग्रीन टी पीते हैं और सो जाते हैं। इतनी जल्दी तो नहीं सोने वाले हो तुम। चलो बाय, गुड नाइट।